चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कोलमे की चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कांदा और टमाटर ले लिए थे। कांदे को मैंने काट लिया है फ्रेंड्स। मैं हमेशा इसी तरह गैस के ओटे पे ही कांदा काटती हूँ, जल्दी से काटना हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट लिए है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कोलमी लिया है फ्रेंड्स, 300 ग्राम है ये कोलमी। और इसमें जो धागा होता है ना, वो मैंने निकाल कर इसे अच्छी तरह से नमक वाले पानी में धो लिया है। तो चलिए चलते हैं अब इसकी चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने जीरा डाला है 1 चम्मच। और अब मैं इसमें कांदा डाल दूंगी। कांदे को मैं अच्छी तरह से भूंज लूंगी ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं कांदा भूंजते भूंजते सेल्फी वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है ना, मोबाइल पकड़ने के लिए घर पर कोई भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इस तरह सेल्फी वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगती हो फ्रेंड्स, तो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा फ़ोन भी बहुत छोटा है फ्रेंड्स, ना ही मेरे पास ट्राईपॉड है और ना ही मेरे पास अच्छा सा मोबाइल है। बस एक छोटे से मोबाइल से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन कीजिएगा वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ बात करते करते मेरे कांदे फ्राई हो गए थे, मैंने उसमें टमाटर डाल दिया है और नमक डाल दिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर क्वांटिटी के हिसाब से डालूंगी फ्रेंड्स, और तीखा आप आपके हिसाब से डालिएगा सारे मसाले। तो यहाँ पे मेरे मसाले डालना हो गए थे, मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और साथ ही में मैं टमाटरों को मैश करते जाऊंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कोलमी। कोलमी को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने आज इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ पे कोलमी मैंने अच्छी तरह से टमाटर कांदे में मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कस्तूरी मेथी। मेरे पास हरा थोड़ा ही था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ कस्तूरी मेथी डाला है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि कोलमी से पानी छूट जाए, क्योंकि कोलमी में पानी छूट जाता है फ्रेंड्स। तो इसे 2 मिनट के लिए ही मैंने ढका है और ये बहुत जल्दी पक भी जाती है, बिल्कुल चटनी की तरह, अंडे की भुर्जी की तरह। तो यहाँ मैंने इसे मिक्स कर दिया है 2 मिनट खोल करके। अब देखिए आप, मेरी कोलमी की चटनी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। कैसी लग रही है? जितनी अच्छी है दिखने में लग रही थी ना फ्रेंड्स, उतनी ही अच्छी है खाने में लग रही है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।